ये वो नीम का पेड़ है जो राजू श्रीवास्तव के घर के बाहर लगा हुआ है, और आज ये पेड़ भी इस बरसात के बीच में कहीं ना कहीं अपना गम लोगों के सामने रख रहा है, जिसके चलते ये मुरझा चुका है। और मेरे ठीक पीछे ये राजू श्रीवास्तव का मकान बना हुआ है। पूरी गली में एक मातम का माहौल है, पूरे मोहल्ले में, हालांकि पूरे शहर में और देश में भी इसी तरह का कुछ माहौल है। और बताया ये जाता है कि ये जो पुश्तैनी मकान है, राजू को इस मकान से अपने बहुत लगाव था। साल 1990 में एक मुफलिसी के दौरान राजू के पिता रमेश चंद श्रीवास्तव उर्फ बलई काका ने इस मकान को बेच दिया था। राजू की पैदाइश 25 दिसंबर 1963 को इसी मकान में हुई थी। उसके बाद राजू, जिस वक्त ये मकान बेचा गया था, राजू बम्बई में थे। राजू 20 साल की उम्र में मुंबई चले गए थे। और 1990 के बाद राजू ने 20 साल बाद ये मकान चौथे यानी 4 गुना कीमत देकर इस मकान को वापस खरीदा था, जो उस समय के 24 लाख रुपया की भरपाई करके राजू ने ये मकान वापस लिया था। जिसके बाद पूरा परिवार जो किराए के मकान में रहने लगा था, वो वापस अपने घर आ सका था। कल 21 सितंबर 2022 को राजू का इंतकाल हो गया। आज दिल्ली के निगम बोध घाट पर राजू का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हमारे साथ मोहल्ले के कुछ लोग मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे इस वक्त मोहल्ले का क्या हाल है और मोहल्ले वालों की, हालांकि हमने ये भी कल सुना था कि मोहल्ले वालों की यह मांग थी कि राजू के पार्थिव शरीर को यहीं लाया जाए, बशर्ते आज निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां भारी तादाद में लोगों के रहने की उम्मीद है। और पूरे देश से उनके लिए शोक संवेदनाएं आ रही हैं, प्रधानमंत्री से लगाकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक ने जो है अपनी संवेदना राजू के प्रति जाहिर की है। तो हम चलते हैं और मोहल्ले के लोगों से जो है हाल जानते हैं कि इस वक्त, इस घड़ी में, इस दर्द के समय उन पर क्या कुछ बीत रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि हमने सुना है कानपुर वाले या मतलब मोहल्ले वाले ये चाह रहे थे कि राजू के पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाए। हाँ, सभी लोग चाह रहे थे जी कि उनका पार्थिव शरीर जो है कानपुर में लाया जाए, क्योंकि यहीं की उनकी पैदाइश है और सबकी हार्दिक इच्छा यही थी कि उनको कानपुर लाया जाए। और कानपुर लाया जाता अगर तो लाखों की जनसंख्या में यहाँ पे आदमी दिखता, इतने चाहने वाले, इतने फैंस हैं उनके, सभी जाते हैं और कल से बराबर आ रहा है। हर व्यक्ति आता है, जिन्होंने घर नहीं देखा वो पूछते हुए आते हैं कि भैया कहाँ पे उनका घर है, क्योंकि उनका कार्यकाल ही ऐसा रहा है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया और संघर्ष करने के बावजूद भी इतने बड़े विश्वविख्यात हस्त कलाकार होने के नाते भी वो जब भी आते थे तो सभी लोगों से उसी प्रकार मिलते थे जैसे एक गरीब आदमी मिलता है। गाड़ी छोड़ देते थे, गार्ड्स छोड़ देते थे, पैदल सबसे मिलते थे, सबके दुख मुसीबत में खड़े होते थे, सभी का काम करते थे। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, किसी की दिक्कत को ये नहीं कि महसूस होने देते थे कि तुम्हें दिक्कत है हमसे बताओ। और यहाँ पे ना रहने के बावजूद भी अगर उनको खबर लग जाती थी कि इस व्यक्ति को ये परेशानी है तो वो वहाँ से ही उसकी हेल्प कराते थे, भाइयों द्वारा उसकी मदद कराते थे। होली दिवाली में राशन पानी बंटवाते थे, कोरोना में भी बहुत सामान उन्होंने बंटवाया। तो ऐसे व्यक्ति को जो दुनिया को हंसाता हो, विश्व को हंसाते हुए व्यक्ति अब हम लोगों को रुला करके चले गए। हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं उनको, शुरू से ही। क्या उनको ऐसे शब्द नहीं बचते जो उनके लिए कहा जाए, क्योंकि वो तो खुद ही इतने अच्छे कलाकार, इतने अच्छे व्यक्ति रहे हैं। अब इस समय पूरा परिवार उनका दिल्ली में ही पहुंच चुका है। हम भी जाने वाले थे दिल्ली,
लेकिन आज हमारे यहाँ कुछ शादी के सिलसिले में कुछ मेहमान आ रहे हैं हमारे घर, नहीं तो आज मैं भी वहाँ दिल्ली में होता, क्योंकि शुरू से ही रहे वैसे में तो पहुँचना ही चाहिए था। बाकी उनके सारी फैमिली दिल्ली पहुँच चुकी है, कल उनके छोटे भाई भी चले गए, काजू श्रीवास्तव और उनका बेटा बेटी भाई सब लोग दोपहर में कल निकल गए थे। चाची राजू इसी मोहल्ले के रहने वाले थे, और आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत अच्छे आदमी रहे, आते थे हम लोग का चाची चाची भाभी लगते थे, वो किस चाची वो कहते थे, आते थे हाथ जो नमस्ते करें हम लोग कहे बेटा ठीक हो बढ़िया हो अच्छे रहे। ऐसा आदमी चला गया दुख तो होता है सबको बेटा, और तो आगे हम छोट से बड़े तक खेलत रहे सब। अच्छा हमने सुना है कि आप लोग की इच्छा थी कि राजू के पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाए। हाँ सबको मन रहा कि यहाँ आ जाए, तो यहाँ जब आए नहीं सब लोग यही कहते रहे यहाँ आ जाए अपने दरवाजे पर आ जाए, टोला मोहल्ला जो बचपन से देखा जाता रहा तो उनकी आ जाए देख लीन जाए, तो नहीं आए तो क्या। भैया किस तरीके से बहुत मिलनसार व्यक्ति थे, और उनके जाने के बाद कल से आज तक क्या माहौल है मोहल्ले का? आज तक भी माहौल बहुत गम में है, सभी हम लोग गम में है, उस कारण जा सकता जब उनको टीवी देख रहे हैं देख रहे हैं दिल में धक्का ऐसा लग रहा है हम लोगों को कि कल हमारे साथ से आज नहीं है, आते थे बोलते थे सुनाते थे बैठाते थे सबको अच्छे से पूछते सबको पूछते थे कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को परेशानी तो नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे बस बुला नहीं सकते। चाची कैसा माहौल है राजू श्रीवास्तव के जाने के बाद? बहुत सन्नाटा लग रहा, भैया बिगर वो आ जाते रहे बस सबको पूछ करके जाते रहे, और उनके हम काम ही पहले करते रहे मतलब आज से पाँच छः साल पहले जब अम्मा डड्डा से था जब वो नहीं रहे और उनका परिवार थोड़ा इधर उधर हो गया तो भैया भी नहीं ज़्यादा आते छोड़ दिया था काम, लेकिन जब आते रहे तो मानते घर की तरीके रहे कोई मतलब ऐसा वो नहीं करते रहे कि ये लोग बाहर ही हैं कि मतलब बाहर आ। हमने सुना है आप लोगों की इच्छा थी कि उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाए। हाँ हम लोगों को बहुत इच्छा थी कि यहाँ बड़े बुजुर्ग मम्मा दादा यहाँ सभी लोग खत्म हुए यहाँ वो भी आए मतलब उनके परिवार पूरा यहीं से सब गया, दादा का हार्ट अटैक पड़ा था तो वो भी यहीं से गए, अम्मा माता जी भी यहीं से गई है वो भी हमारे सामने ही खत्म हुई जब हम काम करते रहे, भैया भी यहीं से आते तो बहुत इच्छा थी हम लोगों की। राजू भैया इतने अच्छे से गुजरा के माहौल तो बिल्कुल ख़राब हो चुका है यहाँ का। हाँ इसके अलावा क्या कहें तो में यही है। अच्छा आप लोग ये चाहते थे कि उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाए? हाँ ये तो हम लोग चाहते थे यहाँ ही लाया जाए यहीं से मिट्टी से, अब नहीं प्रशासन यही पैदाइश है उनकी। हाँ भाई बचपना यहीं कूदा है पैदाइशी यहीं के हुए हैं, इस मारे यहीं आना चाहिए यहीं से मिट्टी जाती पूरा कानपुर का जाता इंसान ये है बस, इसके अलावा क्या कहें हम बस। मोहल्ला बिल्कुल सूना कर गए हाँ। और क्या अच्छा नहीं लग रहा हम लोग रोना आ रहा। अच्छा हम लोगों ने ये सुना है कि आप लोग चाहते थे कि वो कानपुर आए उनका पार्थिव शरीर लाया जाए और यही अंतिम संस्कार हो। क्या नाम है चाची आपका? तो अब कैसा माहौल है उनके जाने के बाद? क्या है बस वही माहौल है कि जब आदमी एक चला जाता है तो क्या माहौल होता है, रोना और क्या। अब उन्हीं के बारे में ये तो हमारे कानपुर की शान हती भाई, क्या किया जाए अब ऊपर वाले के हाल अलावा कोई कुछ कर नहीं सकता है, इतना ही कह सकते हैं। हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव से जुड़ा एक और रोचक किस्सा है कि वो अपने कॉमेडी शोज में जिन किरदारों का जिक्र हमेशा किया करते थे जो गजोधर संकटा और बिरजू टाइप के किरदार थे, वो कोई कोर कल्पना नहीं थी, वह राजू के आसपास के ही लोग थे जिनको राजू अपनी कॉमेडी में इस्तेमाल किया करते थे। बहरहाल राजू हमारे बीच अब नहीं रहे और आज उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के निगमबोध घाट पर किया जाएगा। राजू पूरे कानपुर सहित पूरे देश को हंसा कर रुला कर चले गए हैं। जंजवार की तरफ से राजू श्रीवास्तव को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, देखते रहिए जंजवार। जंजवार जनता की मीडिया।